देखो यार, इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस है या फिर क्यूट पेजेस है। हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं देन वी आर थिंकिंग इमोशनली नॉट प्रैक्टिकली। इंस्टाग्राम पे कोई भी पेज स्टार्ट करते वक्त हमारा ओवरऑल गोल होता है मनी, एंड इट इज वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट मनी फॉर द वर्क वी आर डूइंग। इस वीडियो के अंदर हम एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई भी फैंसी बात नहीं करेंगे। इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम पे क्यूट पेज ग्रो कर सकते हैं। आप सही में इंस्टाग्राम पे क्यूट पेज क्रिएट करना चाहते हैं और उसे ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास इन दोनों में से कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। या तो आप अच्छे राइटर हो या फिर आपकी फोटो और वीडियो एडिटिंग बहुत फाड़ है। सीरियसली, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी स्किल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे क्योर पेज ग्रो नहीं कर सकते 2021 के अंदर। इस वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना होप यू लव, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पेज। अब कुछ टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको एग्जैक्ट फॉलो करना है और आप खुद देख सकोगे अपनी इंस्टाग्राम पेज की ग्रोथ। सबसे पहली टिप है चेंज योर कैटेगरी। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पे अपनी कैटेगरी को चेंज करना है न्यूज एंड मीडिया कैटेगरी के अंदर। इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो वो सबसे पहले न्यूज को प्रमोट करता है, उसके बाद अदर पेजेस को प्रमोट करता है। तो आपको अपनी कैटेगरी को चेंज कर देना है न्यूज एंड मीडिया के अंदर। सेकेंड टिप है स्पेसिफिक निच। जितना ज्यादा आप स्पेसिफिक निच के अंदर कॉन्टेंट बनाओगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप कॉलेज लाइफ के ऊपर क्योर पेज बना सकते हो, बट आपके क्योर्स कॉलेज लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए, जिससे लोग आपके पेज आएंगे, आपके कंटेंट से कनेक्ट कर पाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे। तो पहले डिसाइड कर लेना किस कैटेगरी के अंदर आपको कंटेंट बनाना है। थर्ड टिप है स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 पोस्ट रेगुलर डालने विद 30 हैशटैग। जब आपके पास थोड़ा बहुत सही से इंगेजमेंट डालने लग जाए उसके बाद आपको मैक्सिमम 2 पोस्ट डेली डालने हैं। 2 से ज्यादा मत डालना, एक बार सही से इंगेजमेंट आ जाए उसके बाद ही आपको 2 पोस्ट मैक्सिमम डालने हैं। एक सुबह आप कभी भी डाल सकते हैं और एक आपको रात के 9 बजे डालना है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम होता है। फोर्थ टिप है इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन। इंस्टाग्राम के इस नए फीचर का आपको भर भर के यूज करना है। जब भी आप पोस्ट करेंगे देन आपको नीचे नीचे टैग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, देन आपको साइट के अंदर इनवाइट कोलैबोरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से अपने निच से रिलेटेड किसी भी पेज के साथ कोलैब कर सकते हैं। जब आप किसी दूसरे पेज के साथ कोलैब करोगे तो आपका पोस्ट उसकी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस दोनों के पास एक साथ जाएगा, इससे आपको ज्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, मीन्स मोर लाइक्स एंड मोर फॉलोअर्स। तो अब बात करते हैं फिफ्थ टिप की। आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड हैशटैग को सर्च करना है और वहाँ पे किसी भी पोस्ट के साथ इंगेज करना है। उसकी पोस्ट पे सबसे पहले आपको लाइक करना है, देन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है। वहाँ पे लोगों ने कमेंट कर रखा होगा, आपको उन लोगों के कमेंट के ऊपर रिप्लाई करना है। रिप्लाई आपको इमोजी के अंदर नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, इससे वो बंदा आपके साथ कनेक्ट कर सकेगा और आपके पेज को चेकआउट जरूर करेगा। और वैसे भी आजकल लोग पोस्ट से ज्यादा कमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, इस मेथड का जरूर से यूज करना। इसका मैं पर्सनली यूज करता हूं और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। एकदम प्रैक्टिकल वे बताएं इंस्टाग्राम पे क्योर पेज को ग्रो करने के लिए, चाहे आप कहीं पे भी लिख लो बट आपको इन सभी टिप्स को एकदम एग्जैक्ट फॉलो करना है और आप अपनी ग्रोथ खुद देख सकोगे। अगर आपके 1K फॉलोअर्स भी नहीं हुए तो आपके लिए बेस्ट है कि आप फॉलो अनफॉलो मेथड का यूज करो। 1K फॉलोअर्स के बाद इंस्टाग्राम आपको थोड़ा बहुत रिकमेंड करने लगता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप 1K फॉलोअर्स कंप्लीट करें। फॉलो अनफॉलो मेथड का कैसे करेक्ट यूज करना है इसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। वीडियो पे लाइक और कमेंट करना फॉर दी एल्गोरिथम। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो बस यार, आज के लिए इतना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।